लो पबजी लवर्स। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था, जिसमें पबजी भी शामिल था। अब ये बात सही है या फिर गलत, इसका खुलासा मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पबजी इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है और इसकी फुल इन्फॉर्मेशन की अपडेट मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप एक रियल पबजी लवर हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और छोड़कर तो बिल्कुल ही मत जाना। तो है गाइस, दिस इज आयुष, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर ट्यूटर। तो अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको ऐसे ही पबजी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लॉकडाउन में पबजी और 59 अदर एप्स को बैन कर दिया गया था। उसके बाद पबजी लवर्स इस गेम का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पबजी कॉरपोरेशन ने पबजी को इंडिया में लाने की काफी कोशिश की, पर वो तभी नाकाम रहे। पर अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में बताया गया है जो 59 एप्स बैन हुए थे, जो कि टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउज़र और बाइडू थे, वो परमानेंटली बैन हो चुके हैं और इन एप्स का वापस आना इम्पॉसिबल है। पर आईटीआई के एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि पबजी इन 59 एप्स में शामिल नहीं है। इसका मतलब पबजी इंडिया में वापस आ सकता है। और ये भी बताया गया है कि उस समय कंपनी और सरकार के बीच आधिकारिक बातचीत नहीं हुई थी, मतलब पबजी को इंडिया में वापस आने की काफी हद तक उम्मीद है। और आपको मैं बता दूं, पबजी कॉरपोरेशन ने बैन होने के बाद पबजी मोबाइल के डेवलपर टेंसेंट गेम से अपना अधिकरण वापस ले लिया था। और क्राफ्टन इंक ने यह बताया है कि पबजी के प्लेयर्स के डेटा को सेफ और सिक्योर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड सर्विस माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के साथ काम कर रहे हैं। पबजी टीजर के लॉन्च होने के बाद पबजी कॉरपोरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के तहत पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर की है। क्राफ्टन पबजी इंडिया को ऑपरेट करने के लिए न्यू कंट्री मैनेजर के साथ साथ अदर लोगों को भी अपॉइंट कर दिया गया है। कंपनी ने गेम की वापसी के लिए पूरी तैयारी कर ली है, बस अब वेट सिर्फ गवर्नमेंट से एक सफल बात की है और उसके बाद आपको पबजी मोबाइल इंडिया खेलने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आप एक रियल पबजी लवर हो तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही पबजी के अपडेट्स लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।